स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एक्सप्लोर विद जीपी पर। और भाई आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो हमें नागौर से भाई ने भेजा है। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं सोजुत की बकरियां, गुलाबी भी बकरियां हैं, बच्चों वाली बकरियां भी हैं, सिरोई की बकरियां भी हैं और सिरोई के बच्चे भी हैं, 12-13 बड़े बड़े बकरे भी हैं इनके पास। तो ये सारा लॉट है जो ये भाई जो हैं बेचना चाहते हैं। तो एक बार आप क्वालिटी देख लीजिए और वीडियो के एंड में मैं आपको इन सभी का रेट भी कोट कर दूंगा। बहुत अच्छी बकरियां हैं लेकिन सारी की सारी सेल के लिए, और ब्रीडर भी है जो सेल के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। करता हूं मैं वीडियो को शुरू। ये भाई गुलाबी बकरियां हैं, बिल्कुल गुलाबी के अंदर ये बकरियां हैं और ये सोजत की बकरियां हैं। इनके पास 11 बड़ी बकरियां हैं, 11 बकरी हैं जो कि बड़ी बकरियां हैं। इसमें से कुछ बच्चों वाले भी साथ में हैं और क्वालिटी ब्रीडर भी इन्होंने भाई ने जो है वो रखा है। लेकिन क्या है कि टाइम है इनको, इनको अभी सेल करना है सारा का सारा ये लॉट है। और जो देखो क्या है कि जिसको भी फार्म करना है, और नागौर के अंदर है ये, नागौर में जो भी आसपास के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई तुम्हें अगर अच्छा ब्रीडर चाहिए तो इन भाई ने ब्रीडर जो लिया है ना, इसकी क्वालिटी के बच्चे जो आते हैं वो गुलाबी ही आते हैं। और ये भी प्योर सोजत का बकरा है और इनके रिजल्ट जो लिया ना वो एक नंबर रिजल्ट आया है। बड़ी फ्रेम की बकरियां भी हैं इसके अंदर। और इनके पास जो है आगे आप देखेंगे तो पूरी बकरियों को मैं क्लियरली दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो इन्होंने मुझे भेजा है बिल्कुल क्लियर वीडियो भेजा है। और आपको अगर चाहिए तो आप जो हैं इनसे वीडियो मंगवा सकते हैं। और काफ़ी सारी बकरियों ने यहाँ पर जो हैं बच्चे भी दिए हैं। बड़ी बड़ी फ्रेम की बकरियाँ हैं ये, पिछले 4 साल से फार्म भी रन कर रहे हैं, बकरियाँ लाते हैं बेचते हैं। और इनके पास जो है सिरोई की बड़ी बकरियाँ हैं। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सोजत की बकरियाँ हैं, बढ़िया बकरियाँ हैं। अगर कोई फार्म करना चाहता है और बिल्कुल रीजनेबल रेट के अंदर ये बकरियाँ आपको मिल जाएगी। हमेशा प्रॉब्लम यही रहती है किसानों की कि उनको रीजनेबल रेट में बकरियां नहीं मिल पाती। अब नागौर से और नागौर के आसपास के एरिया से भी जो है मेरे बहुत सारे किसान दोस्त हैं जो अपना फार्म करना चाहते हैं लेकिन उनको अपने आसपास के फार्म ही नहीं पता है, और वो हमारे इधर सोजत में आते हैं जबकि वहाँ पर जो है सोजत बहुत लोगों ने रखी है। तो उन्हीं भाई के वीडियोज़ जो मेरे पास आते हैं वो वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ। और काफ़ी काफ़ी लोग हैं, अभी आने वाले वीडियो जो हैं मेरे काफ़ी ऐसे होने वाले हैं जो शायद ही आपके पास में ही कहीं सोजत हैं और मैं वो वीडियो डालूंगा। तो इसलिए आप चैनल को भी है ना सब्सक्राइब करके रखिए। अब ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये सोजत में, सिरोई में, अजमेरा में, ये सारे साथ में हैं। और कुछ इसमें बच्चे होंगे देसी में हो सकते हैं, लेकिन तोतापुरी भी इनके पास हैं। अभी जो है मैं आपको एक एक करके ये बच्चे पूरे दिखा देता हूँ। ये गुलाबी के अंदर बकरे हैं, ठीक है, ये सोजत के अंदर है, प्योर सोजत के अंदर बकरे हैं जो बाहर आए दोनों। और ये है सिरोई का बकरा, ये भी बकरा, टोटल 11 बकरे हैं। जो पालना चाहता है और फार्म में बकरों का शौक करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि अच्छे बकरे हैं और बनने वाले बकरे। भाई ने बहुत अच्छे दूध की पिलाई की है इनकी, जो हेल्थ में पूरे अच्छे हैं। क्योंकि मैंने इनके ये वीडियो जब देखा तब मुझे पता चला कि देखो इसमें ये गुजरी भी है, ठीक है, ब्लैक वाला है जो नॉर्मल में आया, लेकिन ये सोजत के अंदर है ब्लैक में आ गया, क्योंकि माँ इसकी जो थी वो देसी बकरी थी। और सारे के सारे दूध पिए हुए हष्ट पुष्ट बच्चे होने चाहिए ईद के लिए, और ईद के पर्पस से ही जो पालना चाहता है वो ये बकरे खरीद सकता है। 11 बकरे हैं इसमें लॉट के अंदर, पूरे 11 बकरे, बहुत बढ़िया बकरे हैं, बकरे देखिए आप, ठीक है। इसमें गुलाबी भी है साथ में, तो 4-5 बकरे गुलाबी में हैं, टोटल 11 बकरे हैं ये आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको जो दिखाऊंगा वो बड़ी बकरियां दिखाऊंगा, इन बकरी बच्चों की माएं बताऊंगा, और सोजत की बकरियां हैं, सॉरी सिरोई की बकरियां हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, जो नेक्स्ट वाला वीडियो है आप देखो देखिएगा, क्योंकि देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि माल क्या है। ये देखिए अब इसमें 50 किलो, 60 किलो, 70-70 किलो की सिरोई की बकरियाँ, प्योर सिरोई की बकरियाँ हैं। और भाई से मेरी बात हुई तो ये खेतों से, मतलब जंगलों से ही बकरियों को लेके आए हैं और नागौर के अंदर ये फार्म कर रहे हैं। इसमें ये बकरी आपको दिख रही है, ये वाली तोतापुरी बकरी है,
और बहुत बड़ा लोट है, 50 से भी ज़्यादा बकरियां हैं और बच्चे भी हैं साथ में। और प्राइस की अगर हम बात करें तो भाई ने मुझे बिल्कुल नॉर्मल प्राइस बताया है। अगर एक ही फार्म करने वाला अगर बंदा है जो ये बकरियां लेके जाएगा तो उनको 13,000 रुपये की पट्टी से ये बकरियां दे देंगे। और रियल खरीदार है, लेना चाहता है, फार्म करना चाहता है, तो कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है सौदे के टाइम। दूसरा अब ये होगा कि आप लोगों को 5 बकरियां चाहिए या 4 बकरियां चाहिए, 3 बकरियां चाहिए। ऐसे भी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि कम बकरियों से भी शुरू करना चाहते हैं या ज़्यादा रखने की जगह नहीं है, नया नया शौक कर रहे हैं। ये सारी की सारी सोजत बकरे ब्रीडर से क्रॉस है बकरा, आप देख चुके हैं। सारी प्रेग्नेंट बकरियां हैं और जिन्होंने बच्चे दिए वो बकरियों के साथ आएंगे आपके, तो बच्चों का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा और जो छोटे बच्चे हैं उनका चार्ज नहीं रहेगा। बड़े बकरे हैं जो 11 बकरे मैंने बताए, वो उनकी कॉस्ट जो है वो अलग से जुड़ेगी। तो अगर आप अलग से लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शौक करें, और जितने भी भाई हैं आप इनको कॉल कर सकते हैं। और ये आपको व्हाट्सएप पे स्पेशली आपको वीडियो भी लगा देंगे और बात करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इनका फार्म कैसा है, कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। नागौर से कुछ 15 किलोमीटर दूर है। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कॉल करिएगा आप इनको। बकरियाँ अच्छी फ्रेम की, बड़े फ्रेम की बकरियाँ हैं, सोजत, सिरोही, तोतापुरी, तीनों ब्रीड में मिल जाएगी, जिसमें सिरोही में अजमेरा और ये भी हैं, दो दो ब्रीड और भी होती है, तो वो भी इनके पास है। सारी की सारी आपको अवेलेबल फॉर सेल है। तो जो भी भाई लेना चाहता है ज़रूर इनसे कांटेक्ट करिएगा, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट करिएगा। और कोई भी भाई अपनी बकरियां बेचना चाहता है तो वो मुझे अपना वीडियो जो है शेयर कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से आप मेरे नंबर ले सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।